मंडे को, आज आज तो फ्राइडे है ना, मंडे को ना क्लास क्लास हुई है। सर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन का था यस सर, हाँ याद आ गया, रिएक्टिव। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, नहीं तक लिखा है था नहीं सर, चार टाइप के कंपाउंड्स लिखिए। हाँ वे, हाँ ये चलिए ओके। चलिए अब एक एक लाइन छोड़कर आप रिमार्क्स लिखिए। पहली बात, हमने आपको ये लिखाया था कि भाई among the hexahalide only hexafluoride is possible। पहला पॉइंट डालिए SF6 is possible but HCl6 is not possible, not only HCl6, कुछ भी हो, कोई भी हैलोजन हो, SBr6 हो, SI6 हो, SH6 हो, not possible। तो हेक्सा हैलाइड में अगर कोई हैलोजन वाला पॉसिबल है तो वो है आपका हेक्सा फ्लोराइड। आप बताइए फ्लोर आपको मालूम है, सिंस फ्लोरीन इज पावरफुल, पूरी केमिस्ट्री में पावरफुल यानी एलिमेंट में कंपाउंड में होगा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एज वेल एज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। बताइए ये सल्फर में +6 तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये +6 क्रिएट कर सकता है कि नहीं सल्फर में, मैक्सिमम +6। अब ये हाँ या ना, yes. बोल ही नहीं रहे भाई, सल्फोलोरीन पूरे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ऑक्सीडाइज कर लेगा, टू विच इट क्रिएट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ऑन सल्फर एटम। देयरफॉर SF6 इज पॉसिबल। समझ में बात आ रही ना साइंटिस्ट को, अक्षय साहब आ रही है ना, मंडे को नहीं थे ना आप, मंडे को हर्षित कैन यू हेयर मी? यस सर, यस सर, नहीं था। हाँ आपसे, आप तो अच्छे आदमी हैं ना, इसलिए। हाँ सर लेक्चर देख लिया था। हाँ कोई बात नहीं, वेरी गुड। लिख लिया यहाँ तक लक्ष्य, सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। बट क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो या आयोडीन आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देयरफॉर इट डज नॉट ऑक्सीडाइज द सल्फर अप टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर 6 तक नहीं कर सकते। याद रखिए ऑल हेक्सा फ्लोराइड जो है, ऑल हेक्सा फ्लोराइड का मतलब क्या हुआ, SF6, SCF6, जैसे SF6 हुआ, EF6 हुआ, SEF6 हुआ, ये सब जो है आर गैसेस, आर गैस। समझ रहे ना साइंटिस्ट को? अब आइए, मैंने जो आपको एक बात बताई थी, सारे लोग ध्यान दीजिए, लिख लिया, हेलो एवरीवन,
सर इस इट डज नॉट के बाद कैलक डज नॉट अच्छा सॉरी ऑक्सीडाइज द सल्फर सॉरी ऑक्सीडाइज द सल्फर अप टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बस क्रिया को बताइए सब लोगों ने लिख लिया Yes. Yes. अच्छा अब आइए सारे लोग सुनो ग्रुप 15 में मैंने हाइड्रोलिसिस की कंडीशन पढ़ाया था कि हाइड्रोलिसिस की कंडीशन के लिए वन बॉन्डेड एटम शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल वैकेंडी या वैकेंट और उस पर पॉजिटिव साइड होना दूसरा रीजन क्या था देयर शुड बी लेस एस्टेरिक क्राउडिंग अराउंड सेंट्रल एटम याद है ये लाइन यस सर Yes, very good. अब सुनिए याद रखिए SF6 is not hydrolyzed. जबकि सल्फर के पास वैकेंडी है SF6 is not hydrolyzed. पूछा क्यों कही due to esteric reason. इसलिए कहा जाता है कि due to which SF6 is exceptionally chemical enough. याद रखिए हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं हुआ SF6 का फिर से बोलिए SF6 का क्यों नहीं हुआ हेलो ड्यू टू एस्टेरिक रीजन सल्फर इज सराउंडेड बाय इतना पूरा नहीं लिखा है एग्जाम में मैं बस Surrounded by 6 fluorine. तो आपको शॉर्ट फॉर्म ये कहते हैं कि हाइड्रोलिसिस की कंडीशन ही यही है. To be steric. And ये भी लिख देता हूँ. Due to which या due to esteric reason या due to which SF6 is exceptionally केमिकल इनोड आया सबको SF6 नॉट है ना क्योंकि स्टेरिक रीजन क्योंकि SF6 इज एक्सेप्शनली केमिकल इनोड एनी प्रॉब्लम जल्दी बताइए आया समझ में हाँ या ना जल्दी बताएं Yes. अब जो मैं बताना ये चाह रहा हूं आपको इस पर अब ये कॉम्पिटिशन के लिए आया या एक तो ये भी मैं बता देता हूँ ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हेक्साफ्लोराइड ये सब क्वेश्चन दे देगा तो जमीन तारे पर है तारे जमीन पर याद रख से SF6 मोर स्टेबल इसलिए इनर अगर आपसे कोई पूछे रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस करना है या आप रेट की बात को छोड़ दीजिए SF6 SEF6 बताइए फिर से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ SF6 हाइड्रोलाइज होगा या नहीं होगा जल्दी बताइए नहीं होगा लेकिन इस दोनों का होगा लॉजिक समझ के लिहाज से देखिए क्यों मैं आपको बता रहा हूँ एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ और इस पर मैं लेक्चर भी दूंगा कुछ टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा अभी तो आप यहाँ देखें ये कार पार्किंग अर्षित समझ रहा ना कार है ना तुम्हारे पास देखो ये कार पार्किंग का एरिया है अब 6 कार लग रही है कितने कार लग रही है बताओ ना 6 अरे यार कोई बोलोगे नहीं तो कैसे समझाऊंगा बोलो ना हाँ yes, हाँ यार हाँ yes. इतना गुस्सा उठ रहा है ये हर्षित मियां कहाँ है यार बोल क्यों नहीं रहा है ये ठीक है ये सल्फर है सल्फर के केस में इस कार पार्किंग का नाम है सल्फर या हर्षित का ये हर्षित का यहाँ का कार नहीं सर वो निष्कर्ष सर का फोन आ गया था तो अच्छा, मैंने अच्छा। इसलिए
यशवर्धन यशवर्धन साहब के यहाँ की कार पार्क मतलब एरिया बढ़ गया कि नहीं जल्दी बता। यस सर यस सर छह कार आराम से होगी और वाटर को मौका मिल जाएगा क्या। अब मानस जोशी के कार पार्किंग तो और बड़ी है भाई, ओ माय गॉड। अब छह ये कार लगनी है तो यहाँ तो और ज्यादा स्पेस अवेलेबल है। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन, यहाँ पर कार पार्किंग होना मुश्किल है तो वाटर को फर्दर सातवां आदमी कैसे जाएगा। वही है साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, एस्टेरिक क्राउडिंग डिक्रीजेस, हाइड्रोलिसिस कैन टेक्स प्लेस। ये नहीं कहना सर छह है तो हमेशा ये नहीं, इसलिए मैंने सिक्स फ्लोरीन एटम वाला आपको मैंने कटवा दिया ब्रैकेट। एस्टेरिक रीजन। और आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, मुझे लग रहा है आया होगा, सर PCl5 का क्यों हो पाता है। आप आइए सोडियम पोटैश सॉरी एक मिनट पीरियड थर्ड में सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और कौन आता है, फास्फोरस, सल्फर। बताओ लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटती है कि बढ़ती है, जल्दी बताओ। घटती है तो बताओ फास्फोरस और सल्फर में किसकी साइज बढ़ी है, फास्फोरस की। तो यहाँ पर कार पार्किंग ज्यादा, PCl5 कैसे भी हो गया। आप इस बात के लिए नहीं रटे अरे सल्फर में छह है और यहाँ पांच है तो यहाँ हो जाता, ना केमिस्ट्री ये पांच और छह पर डिपेंड नहीं करती। स्टेरिक क्राउडिंग, फास्फोरस की साइज बड़ी है, फास्फोरस की साइज बड़ी है ये पांच क्लोरीन को बर्दाश्त भी कर सकता है और वाटर को भी आने दे सकता है, यहाँ जगह खाली है क्योंकि फास्फोरस की साइज बड़ी है एज कंपेयर टू सल्फर। क्योंकि आपको कोई कंफ्यूज कर सकता है कि PCl5 का क्यों हो गया, SF6 का नहीं हुआ तो PCl5 का फिर क्यों हो गया, वहां भी तो पांच क्लोरीन है। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। यस सर। भाई कहेंगे साइज बड़ी है, कार पार्किंग की साइज बड़ी है तो यहाँ पर गौर से सुन लें अच्छे से सारे लोग। ये नहीं कहना है कि आप देखिए मैं कह रहा हूँ, एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, सारे लोग बताओ साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस तो बताओ स्टेरिक क्राउडिंग क्या हो रही है। अरे यार फिर ये हर्षित भाग गया क्या, स्टेरिक क्राउडिंग डिक्रीजेस तो हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेस, हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेस। बोलिए लक्ष्य स्वस्ति आशिया सबको समझ में आया कि नहीं आया। यस बोलिए। यस आ गया। वेरी गुड। तो बताइए हेक्साफ्लोराइड में किसका हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, बताओ किसका नहीं होता है। SeF6 और TF6 का फिर क्यों हो पाता है, तो क्या बोलोगे बोलो, SeF यहाँ एस्टेरिक क्राउडिंग है या नहीं है, जल्दी बताओ। नहीं है। नहीं है तो वाटर अटैक कर लेगा। कोई कहा क्यों नहीं है आपको कैसे मालूम, कहिए भाई सेलेनियम की साइज बड़ी है, फ्लोरीन तो छे छे सब में है, फ्लोरीन की साइज बड़ी है वाटर को जाने का मौका मिलेगा। क्या मेरी बातें सबको अच्छे से समझ में आई कि नहीं है, बोलिए। यस तो देखो अब ये तो बोर्ड की लैंग्वेज से पूछेगा ही, SF6 is not hydrolyzed but SF4 is hydrolyzed, SF4 hydrolyzed होगा भाई सल्फर पे वैकेंट भी है तो मैं लिख भी दूंगा, चलो पहले इसको लिखो फिर मैं बताता हूं। लिया
ये स्लाइड लिख लिया? यस सर। सर थैंक यू। संडे को तो आप लोग फेस्टिवल है ना, रक्षाबंधन, तो उस दिन तो आप लोग नहीं ना आएंगे? कोई बोल ही नहीं रहा है। हेलो, चुप हो गया भाई सारे लोग। हेलो एवरीवन, संडे ही को रक्षाबंधन है ना? यस सर। अरे मानस बोलो ना, तुम भी तो बोलो, yes, तो बोलो मेरे क्लास में तो बोलो। तो चलो उस दिन छुट्टी रहेगी, ओके, आप आराम से फेस्टिवल करें रक्षाबंधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सारे लोगों ने? हाँ या ना? Yes, sir, done. Done, done, done. Everyone done. ठीक है, तो ये एक बार सब लोग एक दफा कंफर्म कीजिए, हाइड्रोलिसिस वाला कंसेप्ट सबको समझ में आया? हाँ या ना? Yes, sir. इससे साबित हुआ कि अगर हमें ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रो, देखिए एनसीईआरटी एक लाइन भी लिख देना, वो समझिए वो समंदर है, नॉलेज है, आप उसमें डूबिए, डूबिए उसमें पानी में, तब आपको मिलेगा नॉलेज। तो एक लाइन भी लिख दे, SF6 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड, तो भाई DF6 भी तो है, SEF6 भी तो है, तो यही है, इस तरह पढ़ना है। तो SF6 से ज्यादा SEF6, लेकिन यहाँ तो ज्यादा कम की बात ही नहीं होगी, यहाँ तो बस ऑर्डर कहेगा तो ये लिख देंगे, लेकिन इसमें ख्याल रखेंगे कि इसको रेट की तो बात है ही नहीं है, इसमें इसमें तो हाइड्रोलिसिस ही नहीं होता है, बात तो इसी में होगी। हेलो एवरीवन, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन पूछ देगा तो ऑर्डर तो लिखना ही पड़ेगा ना, लेकिन SF6 में तो हाइड्रोलिसिस ही नहीं होता है, एनी प्रॉब्लम? हेलो एवरीवन, जल्दी बताइए। नो सर। वेरी गुड। अच्छा बताइए, हेक्साफ्लोराइड जो होता है, छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये SP3D2 एंड ऑक्टाहेड्रल शेप, याद है ना, ये सब तो पढ़ चुके हैं आप, इसमें क्या लिखा ना, ऑक्टाहेड्रल शेप होता है और उसको तो आप जानते ही हैं। बताइए लक्ष्य भाई, आ रहा है ना लक्ष्य? अरे बोलिए yes, ना लक्ष्य। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप सच सच बताइएगा लक्ष्य, आपने कितना वीडियो देखा अब तक, आपने कॉपी अलग से बनाया है कि नहीं, जल्दी बताइए आप। यस सर, तो एक लेक्चर कंप्लीट हो गया। ये वेरी गुड, कोई डाउट होगा आपको शर्माना नहीं है, आप मुझे दीजिएगा, हम दोनों आदमी किसी वक्त भी टाइम डिसाइड करके डाउट क्लियर कर लेंगे, ठीक है? पी ब्लॉक खत्म, हाँ पी ब्लॉक खत्म होते ही, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपको वो 11th का है ना, तो GOC मजबूत होगा तो फिर ऑर्गेनिक समझ में आएगी आपको। हाँ एक लेक्चर देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। आपको ये नियत कर लेना है कि हम पी ब्लॉक के खत्म होने के बाद लेक्चर देख लेना है, दो लेक्चर और देखना है, चार के बाद दो और देखना है, कम से कम इसको देखिए। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? Yes, sir. Very good. Thank you. आगे बढ़ें। अच्छा कोई बता सकता है एंगल कितनी होती है इसमें, कोई बताइए जल्दी से फटाफट। अरे बोलो ना एंगल कितनी है यार, तुम लोग IIT के स्टूडेंट हो ना, एंगल कितनी होती है? 90 यार, काश। DRR कितनी? 90, 1290, कितने 90? 12 यार, 1290 डिग्री होता है इसमें, 1290 डिग्री। खैर चलो आगे बढ़ें, सब लोग इजाजत दो आगे बढ़ें। यस यस, अब आइए। Among tetrahalide, SF4 is gas, SEF4 is liquid, and DEF4 is solid. और ये तो आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है, कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो वंडरवाल फोर्स इंक्रीज, बिकॉज वंडरवाल फोर्स इंक्रीज। और आप याद रखिए SF4 इज हाइड्रोलाइज्ड, इज हाइड्रोलाइज्ड बिकॉज सल्फर has
second B or B type. Vacant B orbital and less strictly crowded. समझ में बात आई हाँ या ना? Yes sir. Yes. Thank you. क्या मैं आगे बढ़ूं गवाही दें? आगे बढ़ें. हेलो आसिया यशवर्धन हर्षित मानस विंशा लव yes, सब सब लोगों ने लिख लिया. यस सर. चलिए नहीं लिखा तो बताइएगा तो मैं आपको आप बता रहा हूँ. चलिए अब आइए देखिए. अब आइए कि बहुत सारे हैं. अब देखिए प्लीज गौर से सुनिएगा. मोनो हाइलाइट भी बनाता है. ये इम्पोर्टेंट लाइन है. मोनो हाइलाइट ऑफ ग्रुप 16 इज डाइमेरिक इन नेचर. अच्छा डाइमेरिक का क्या मतलब होता है जल्दी बता. डबल होना. मोनो हाइलाइट ऑफ ग्रुप 16 इज डाइमेरिक इन नेचर. हाँ उसका. हाँ एंड देखो आगे का लाइन इसको पढ़ ये इस चैप्टर की पहली रिएक्शन आ रही है. एंड अंडर गोज disproportionation reaction. एक ही एटम का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन. और से सुनो मोनोहैलाइड मैं बताता हूँ कौन कौन होते हैं. और से सुनो मोनोहैलाइड होता है ना आपके पास जो मोनोहैलाइड है S2F. सर मोनो डाई नहीं 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 देखिए SF डबल है कि नहीं जल्दी बताओ. हाँ अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कौन डबल है. देखो सल्फर का जो तुम लिखते हो लिखना मत 3s² 3p4 लिखते हो. हाँ या ना. लास्ट में यही आता है ना 3p में चार इलेक्ट्रॉन आते हैं ना p में. यस यस सर. 1 2 3 4 अच्छा फास्फोरस फ्लोरीन में भी तुम देखोगे 2p5 होता है तो फ्लोरीन में भी एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में शामिल होता है. यही दोनों आपस में ओवरलैप करके पेयर करेगा कि नहीं जल्दी बताओ. एस में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन में एक अनपेयर्ड है तो बताओ. इधर देखो सारे लोग एस एफ डबल हो के S2F2 क्यों बनाता है. देखो एस एस दोनों सल्फर आपस में दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो होगा कि नहीं जल्दी बताइए. हेलो एवरीवन. हेलो खास बात जानते हैं पूरी केमिस्ट्री में. ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखाने जा रहा हूँ. इन सब का जो शेप होता है ओपन बुक. बताओ इससे पहले ओपन बुक कभी सुने थे. सुने थे तुम ओपन बुक लाइक शेप. और ये केमिस्ट्री में इन सब के अलावा सबसे मशहूर है हाइड्रोजन चैप्टर में S2O2 और इसके अलावा ये पूछा जाएगा किसके अंदर ओपन बुक लाइक शेप है. ओपन बुक लाइक का मतलब यही हुआ कि आपके पास ये सल्फर है ये सल्फर है ये फ्लोरीन है ये फ्लोरीन. समझा कि नहीं. पहले लिखिए तो इसको जल्दी से. सर ये H2O2 भी आपने इसी के लिखा ना कि सेम शेप. हाँ हाँ इसका भी ओपन बुक लाइक शेप होता है. ओपन बुक लाइक शेप होता है बोलिए ना. ओपन बुक लाइक शेप इसका भी. हाँ इसका भी होता है जिसे आप ये बोलते हैं ना इसको छोटे ये छोटे बस इसको आप ऐसे समझिए. मैं थोड़ा सा सोफा में बना देता हूँ.
ओपन बुक लग रहा है कि नहीं? तेरे को अच्छा लग रहा है, जल्दी बताओ। हाँ जाना। हेलो हेलो, यस यस, दिस इज कॉल्ड ओपन बुक। मैं थोड़ा समझा दिया कि आपको लगेगा कोई कंफ्यूजन है तो देखो, सल्फर सल्फर डाल देना भाई, फ्लोरीन फ्लोरीन, ये याद रखो केमिस्ट्री में मोनो हाल, एकदम इस सबको याद कर लो, मोनो हैलाइड ऑफ द सल्फा एंड H2O2 ओपन बुक लाइक शेप होता है, दिस इज द आंसर। इसमें एंगल की बात, इसमें एक होता है ये दो प्लेन है, इसको कहते हैं डाईहेड्रल एंगल, जो 11th के कंफर्मेशनल आइसोमर में बताया था, डाईहेड्रल एंगल होता दो प्लेन, ये होगा तो बॉन्ड एंगल कहलाएगा, दो बॉन्ड पेयर के बीच में होगा तो बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल होता है, और ये दो प्लेन के बीच में एंगल होता है उसको डाईहेड्रल एंगल कहते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? यस। हाँ, इसलिए इसमें डाईहेड्रल की ही बात होती है एंगल। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए, यही है ओपन बुक लाइक शेप, बस आप ऑक्सीजन की जगह सल्फर सल्फर लगा दीजिएगा, इसलिए मैंने आपको इस तरह बना दिया। आगे बढ़ें। हेलो, यस सर, यस सर, वेरी गुड वेरी गुड। आप सुनिए, ये और ये रिएक्शन याद रखिए, इसी तरह आप इस तरह इसमें भी सल्फर सल्फर फ्लोरीन फ्लोरीन याद रखिए, ऐसे दिखाने पर आपको नहीं लगेगा ओपन है, मैंने जानबूझ के एक बना दिया, उस तरह दिमाग रखिएगा। अच्छा अच्छा, एग्जामिनर एक क्वेश्चन दे देगा, सुनिए अच्छे से, Se2Cl, और आपको कहेगा हीट करके, ये सब मैंने कहा का एक एक रिएक्शन को पढ़ के जाइएगा, समझा कि नहीं? ये आपके पास Se4 प्लस Se बनाएगा, समझा कि नहीं? दो से मल्टीप्लाई कीजिए तो थ्री। अब देखिए यहाँ पर आपका प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ प्लस फोर है और यहाँ जीरो है, यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ से यहाँ जा रहे रिएक्शन। ग्रुप 16 का ये पहला रिएक्शन है और इम्पोर्टेंट है, ये डायमेरिक फॉर्म में पाया जाता है, ये डायमेरिक को हीट करने पर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। तो इतनी सारी बातें किसमें याद रखनी है बताइए, हैलाइड किसमें याद रखनी है बोलिए, हैलाइड में, कोई बोल ही नहीं रहे यार, बोलो हैलाइड में याद रखनी। तो देखिए हमने रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन पढ़ लिया, एकदम खटाखट कंसेप्ट था, सब रिपीट हुआ है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन उसमें भी सारे कंसेप्ट पीछे के थे, हाँ ऑब्वियसली वो E2E2O3 बनाएगा, कंपाउंड तो अलग अलग होगा लेकिन एसिडिक करेक्टर सबका कंसेप्ट सब वही होगा, कौन एसिडिक है कौन बेसिक है ये सब। तीसरा आपने पढ़ा हैलाइड ऑफ द ग्रुप, अब आइए जो कि इम्पोर्टेंट है, ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, नेक्स्ट टॉपिक डालिए ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, बताइए क्या पढ़ने जा रहे हैं बताइए। हेलो एवरीवन, ऑक्सी एसिड, आप सुनिए, हमने आपको, मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं, ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखाया था और सब लोग रिपीट करें कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड में मैंने आपको ट्रिक्स दिया था, इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो याद है ना नंबर ऑफ OH कितना होगा, वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होगा, याद है ये लाइन सबको? अरे बोलो ना तुम, यस सर, लेकिन बताओ एक्सेप्ट किसको छोड़कर, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, अरे फास्फोरस बिहारी हो, फास्फोरस में नहीं बताया था पीओ OH डाल के हम इस तरह बनाएंगे, याद नहीं है? हेलो, यस सर, Yes. यार तुम लोग तो एकदम नाक कटवाओगे यार, लोग का बैच सबसे अच्छा बैच है यार, बहुत खराब पढ़ा दूंगा ना इस क्लास से मैं, ये तो 11th में भी पढ़ाया है यार, 12th में भी, 11th में भी पढ़ाया है मैंने, मुंह खराब करते तुम लोग। ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर ये था, एक्सेप्ट ऑक्सी एसिड का फास्फोरस, अब सुनो, फॉर टू सेंट्रल एटम के लिए, सुनो अच्छे से, लिखना मत, दो सेंट्रल एटम के लिए था कि अगर ऑक्सीजन ऑड नंबर में होगा तो ए, याद है ना, ये लिखना नहीं है, ये सब लिखा चुका मैं, दो सेंट्रल एटम है, सारे लोग हाँ में हाँ मिलाना,
और ऑक्सीजन ऑड नंबर में है तो लिंकेज था ना AOA, बोलो हाँ या ना? यस यस सर। लेकिन उसमें मैंने लिखा था एक्सेप्ट N2O3 एंड ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, याद आया? याद आया? yes, याद yes, आया yes, हाँ yes. तुम लोग को शायद यही वाला पॉइंट लगता है, यहाँ पर बोल दियो ये दो एक्सेप्ट ऑक्सी एसिड जो है ना वो दो सेंट्रल एटम के लिए है ना, दो सेंट्रल एटम है। अच्छा दूसरी बात फिर से, दो सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन इवन नंबर में है तो लिंकेज AA होगा एक्सेप्ट ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। तो देखो ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे फॉर टू सेंट्रल एटम के लिए, तो फॉर टू सेंट्रल एट फॉर टू सल्फर के लिए, हाँ मैं लिख देता हूँ क्योंकि अब इसमें तो टू सल्फर ही है, फॉर टू सल्फर के लिए अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर मैक्सिमम का मतलब प्लस 6 ही होता है कि नहीं, जल्दी बताओ, देन लिंकेज होगा SOS, चाहे ऑक्सीजन इवन में रहे या ऑड में रहे, यहाँ कुछ नहीं SOS रहेगा, समझा? इसमें इवन ऑड नहीं देखना ऑक्सीजन को, ये है ये सल्फर का टू सल्फर का स्ट्रक्चर ऑक्सीडेशन मेथड से ही करना है। फिर से बोलो, दो सेंट्रल एटम का स्ट्रक्चर ऑक्सीडेशन मेथड से किसके केसेस में सिर्फ होगा, सल्फर के केसेस में। हाँ तुम ऐसे भी इवन ऑड से भी कर सकते हो, लेकिन क्या होगा, कुछ सही होगा कुछ गलत होगा, मेरी बात समझ में आई? उसमें भी कुछ में देखोगे ऑड वाला जो हमने ऑड वाला जो कंसेप्ट बताया वो भी कहीं पर लगेगा इवन, लेकिन उसमें कुछ में सही होगा कुछ में गलत होगा। तो इसलिए 100% आंसर देने के लिए तरीका ये है कि अगर सल्फर दो सल्फर है, ऑक्सीजन चाहे ऑड में इवन में उसमें नहीं देखना है, उसका स्ट्रक्चर ऑक्सीडेशन मेथड से, इसमें एक्यूरेट आंसर आएगा, कहीं पर गलती हो ही नहीं सकती, SOS होगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर लेस देन मैक्सिमम हो देन S सिंगल बॉन्ड SO, चाहे ऑक्सीजन ऑड में हो या इवन में हो, और अगर ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर ग्रेटर देन मैक्सिमम हो तो ये होगा परऑक्साइड लिंकेज आ जाएगा। समझ बात आई हाँ या ना? समझ में आया? हेलो एवरीवन। यस सर। तो फिर से बताओ yes. वो कौन सा एलिमेंट है जिसके दो सेंट्रल एटम हो तो उसका स्ट्रक्चर ऑक्सीडेशन मेथड से आएगा, तो क्या कहोगे? सल्फर। सल्फर यस। हाँ तुमको कहीं कहीं पर इवन ऑड वाला भी लग जाएगा, लेकिन वो कुछ में सही होगा कुछ में गलत होगा। और देखो एनसीईआरटी ने सल्फर के ऑक्सी एसिड के बारे में बहुत ज्यादा दिया है, और एक नई चीज भी दिया, वो भी हम पढ़ेंगे अभी आपको बताएंगे, पहले ये सॉल्यूशन। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर का रूल हो गया, ऑक्सी एसिड है एक ही सेंट्रल एटम है तो नंबर ऑफ OH नंबर ऑफ H के बराबर, एक्सेप्ट फास्फोरस को छोड़कर, दो सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन ऑड नंबर में है AOA एक्सेप्ट N2O3 और ऑक्सी एसिड ऑफ द सल्फर। तो सर ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर का कैसे टू सेंट्रल एटम वाला ड्रॉ करेंगे? ऑक्सीडेशन मेथड से। लिख लिया तो बताइए। पहला है जो कि बहुत आसान है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के कहा, एक ही सल्फर है तो यहां पर वो तो आप कितना H है, दो H है तो दो OH पहले ड्रॉ कर दो। अब ऑक्सीजन दो बचा तो दो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन किनारे डबल कर, आ रहा है ना सबको समझ में?
मेरे साथ साथ लिखिए सल स्ट्रक्चर, सब पे क्वेश्चन आते हैं, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, दो ओ एच, दो एच है, दो ओ एच होगा, लिया यस सर। अब यहां से इंपॉर्टेंट है थायो सॉरी फ्यूरी केस, मैंने आपको 11 में बताया था थायो का वर्ड याद रखिए, सल्फर इज रिप्लेस बाय ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर, तो वहां थायो का वर्ड आता है। तो तुमको अगर या H2SO4 का तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हो, याद रखने का तरीका सुनो अच्छे से, H2SO4 है कि नहीं जल्दी बताओ, हाँ या नहीं? यस यस। बस एक ऑक्सीजन को हटाओ, सल्फर लगाओ, इसलिए दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस सल्फर इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एक एक और दिस सल्फर इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसलिए इसका फार्मूला H2SO3। हां सारे लोग, अरे यार इस तरीका समझे कैसे ड्रॉ किया, हेलो 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 एवरीवन, यस सर सर। लिख लिया बताइए ना, यस सर। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, सेंट्रल एटम है, जल्दी बताइए। दो, तो अब दो, दो का जब आपको बताया गया, मैंने कहा कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, 2x + 2 - 8 = 4, 6x = 3, बताओ मैक्सिमम से कम है कि ज्यादा है, तो
लिंकेज इज इन देम बॉन्ड, चाहे ऑड हो इवन हो इसका मतलब नहीं है, ऑक्सीज में सल्फ्यूर। अब आइए, दो एच है दो ओ एच, कितने ऑक्सीजन हो गए जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, यस यस, लिख लिया तो बताइए। अच्छा, ये तो आप लिख ही लेंगे, पायरो का वर्ड मैंने सिखाया था, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने कहा था पायरो के लिए रूल है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन ग्रेटर देन हो, तो आप उसमें क्या करें, आप पैरेंट एसिड का फॉर्मूला याद है, दो को मल्टीप्लाइड करें, वाटर को हटाएं, तो H2S2O7 दो सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन ऑड में, तो हम सतर्क रहेंगे क्योंकि सल्फर है, हम डायरेक्ट AOA नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, असल तरीका यही है कि आप ये करें, UX is a context is a conducive, बताइए मैक्सिमम है कि नहीं जल्दी बताओ। यस यस सर, तो मैक्सिमम के लिए AO, तो सर ऐसे भी AO होता, हाँ ऐसे भी AO होता, लेकिन कुछ केसेस में गलत हो जाएगा, अभी आप आगे आगे देखिए होता है क्या। दो, हाँ अब दो दो एच है तो दो ओ एच होगा, एक ओ एच इस पर, ऑक्सीजन सिक्स बचा, अब चार बचा तो दो इस पर, समझ बात है, आप ये सब पूछेगा किसमें एस ओ एस बॉन्ड है, देखिए इसमें एस ओ एस बॉन्ड वन है, एस ओ एच बॉन्ड कितना है, टू है, ये डाइप्रोटिक भी होगा, दो एच प्लस पे है, अरे बोलिए ना, डाइप्रोटिक डाइबेसिक, यस जहां OH होगा उतना हो। S डबल बॉन्ड O कितना है भाई, चार है, इस तरह के क्वेश्चन सब आते हैं, स्ट्रक्चर आपको अच्छे से आना चाहिए। क्लियर Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब आइए नेक्स्ट, पर ऑक्सो, इसका नाम याद रखिएगा, मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, इसका पूरा नाम, अलग नाम, दूसरा नाम याद रखिए, पेरोज़ेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फॉर्मूला होता है H2SO5। कोई बात नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉ कीजिए, एक ऑक्सीजन ज्यादा है कि नहीं इसमें, जल्दी बताइए, बोलिए। यस सर, तो अब ऑक्सीजन ज्यादा यहाँ नहीं लगा सकते, जब ऑक्सीजन ज्यादा हो समझ जाइए परऑक्साइड लिंकेज होगा, सुना सारे लोग, हेलो एवरीवन, आया, चाहे इधर लगाइए या इधर ले गई, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। Thank you.
इतने सारे लोग? यस सर। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ऑल्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम याद रखेंगे मार्शल एसिड, सब क्वेश्चन में देगा मार्शल एसिड, H2S2O। अब याद है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से करना है, बोले बताया था ना आपको, एक सेकंड टू सेकंड बताओ मैक्सिमम से ज्यादा है कि कम है, बताओ ज्यादा है। तो आप क्या समझेंगे, ए एस ओ ओ एस बस, ट्रिक्स मेरी सारा ट्रिक्स पर है, अगर आपको सब कुछ माइंड में रहा फिर आपको कुछ भी नहीं मिलता, यही है तरीका। दिस इज कॉल्ड परऑक्साइड लिंकेज, परऑक्साइड लिंकेज है, आगे बढ़े हैं। Yes, sir. एसिड में पायरो सल्फ्यूरस एसिड, बताओ सल्फ्यूरस एसिड, तो सारे लोग बताओ इसमें पेरेंट एसिड कौन है, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस H2SO3 होता है, जल्दी बताओ। Yes, sir. दो से मल्टीप्लाइड करके वाटर आता है, क्या हो जाएगा H H2O5। अब यहाँ पर गलती हो जाएगा, अगर तुम ऑड नंबर के लिहाज से कर दोगे तो AO होगा, यहाँ हमें सल्फर के केसेस में सतर्क रहना है। बताओ H2O मैक्सिमम से कम है कि ज्यादा है, जल्दी बताओ। कम है, कम है, कौन सा लिंकेज होगा, AOA की AA? ये है ना, ये जो ट्रिक बताया था ना, देखिए कहाँ गया, एस देन हो, बताओ एस होगा कि नहीं, ये एस सिंगल बॉन्ड एस, चाहे ऑक्सीजन ऑड में हो इवन में हो, उसमें कोई आपको कंफ्यूज करे ऑड है तो आप कभी ये बता दें, कभी वो नहीं, सल्फर में दो सेंट्रल एटम हो तो आपको इसी तरह चलना है, दो एच है दो ओ एच होगा, ये रहे हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes. आगे बढ़े, आगे बढ़े, जल्दी बताइए। Yes. अब ये ऑक्सी एसिड और सल्फर में इतनी बातें याद रखनी है, लेकिन इसमें एक टॉपिक ये भी है, आयोनिक एसिड्स, मैं वही कह रहा हूँ और से सुनिए, मैं क्यों कह रहा हूँ, लिखिएगा नहीं, थायोनिक एसिड सीरीज है, थायोनिक वही सल्फर की ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाएगा सल्फर, इसका जनरल फॉर्मूला H2, सुनो अच्छे से, SXO6, X यहाँ 2-5, मतलब लिखना मत अभी रुको, पहला है H2S2O6, इसको कहते हैं दो सल्फर है डाइथायोनिक एसिड,
तुमको यकीन ना हो, एनसीईआरटी में बस तो एक लाइन उन्होंने सिर्फ ये लिखा है स्ट्रक्चर नहीं लिखा है, तो मैं यही कह रहा हूँ ये लिख दिया एनसीईआरटी तो आपको क्वेश्चन देना सुना। अरे बोलो ना हेलो एवरीवन यस सर। हाँ एनसीईआरटी में यही एक लाइन लिखा हुआ है तो इसलिए आपको टॉपिक के फॉर्म में था यूनिक A6 सीरीज। आप बताओ फिर से कितने सल्फर हैं इसमें जल्दी बताओ। दो बोलो। अच्छा ऐसे भी मैं ऐसे तो मैं रूल के मुताबिक बताऊंगा, थायोनिक एसिड जब भी है उसका देख लो अच्छे से, उसका फॉर्मूला ही याद रखो। जानते हो क्या उसका जनरल फॉर्मूला ही याद रखो कि एस एस एन एस लास्ट में ही सब कुछ लगेगा। जब भी थायोनिक सीरीज का क्वेश्चन रहे बस यहाँ पर दो सल्फर है दो सल्फर दे दो। अच्छा रूल के मुताबिक भी चलूंगा मैं ऑक्सीजन चलूंगा लास्ट में। बताओ आया समझ में हाँ या ना। अच्छा चलो अब आओ ऑक्सीडेशन स्टेट से 2x + 2 - 12 0 एक सेकंड लेस देन 5 है कि नहीं लेस देन मैक्सिमम से कम है कि नहीं जल्दी बताओ। हाँ या यस सर। तो ये जब मैक्सिमम से कम हो तो सल्फर होगा। थायोनिक एसिड सीरीज का जैसे मैं इसलिए कह रहा हूँ अब तुम्हें परेशानी होगी जैसे H2S3O6। अब बताओ कि सर यहाँ दो से ज्यादा सेंट्रल एटम है फिर भी साइक्लिक नहीं होगा, याद करो साइक्लिक के लिए मैंने क्या कहा था ऑक्सीसिड में। पहले बताओ सेंट्रल ऑक्सीसिड में दो से ज्यादा सेंट्रल एटम है लेकिन कॉमन फैक्टर भी था कि नहीं वहां जल्दी बताओ। हाँ कॉमन फैक्टर अब मैक्सिमम ऑक्सीडेंट इसमें कैसे ड्रॉ करोगे बस वही एस तीन सल्फर इसी तरह लास्ट के दो सल्फर पर सारा तुष्ट बस। दिस इज स्टाइल ट्राइथायोनिक एसिड जितना सल्फर उतना देना है H2S4O6। अब देखो इसमें कॉमन फैक्टर है ना कॉमन फैक्टर जल्दी बोलो हाँ या ना। यस लेकिन देखो यहाँ 4x + 2 सबका लॉजिक है लेकिन x जो है 2.5 मैक्सिमम नहीं है। जब मैक्सिमम नहीं है जब ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम नहीं है तो क्या ये साइक्लिक होगा नहीं होगा। अरे बोलिए ना बस चक्स एकदम सीधा रास्ता कर दो। दिस इज द ट्रिक्स ये है तरीका ड्रॉ करने का। बोलो ना तुम लोग तो बोल ही नहीं रहे यार फिर वही बात यहाँ तो और नहीं होगा मैक्सिमम सल्फर 5 इस तरह लास्ट वाले पर डबल बॉन्ड ये फिक्स रहे ये ट्रिक्स या सब रखो और अच्छे से पढ़ो सब पे लोन पेयर है। Any problem, every student? Any problem? No. अरे बोलो ना रे। No. Yes. ये हुआ थायोनिक एसिड सीरीज। थायोनिक एसिड सीरीज हो गया ये। Oh. Yes. अच्छा मैंने आपको आज जो पढ़ाया हाईलाइट वाला पढ़ाया था वो तो खुलिएगा कहीं पर जगह खाली है तो ये कहीं पर जगह खाली है इतने हाईलाइट में जगह खाली है ना एक yes. लाइन
कहीं पर लिख लीजिए। देखिए इसमें चाहे कोई भी हैलाइड हो, EX2 हो या EX4 हो या EX6 हो, कोई भी हो, डाई हो, टेट्रा हो या मोनो हैलाइड, कोई भी हैलाइड हो और ग्रुप 16 कोई भी हैलाइड हो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। याद रखना फ्लोराइड आयन का ज्यादा होगा, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, तो इसलिए जैसे तुमसे कोई पूछे समझा कि SF4 है और HCl4 है, ये ज्यादा स्टेबल है, समझ में आता है? हेलो हेलो ये भी लैंग्वेज में पूछा जा सकता है। आगे जल्दी बताइए। हाँ यार, यस सर, ये केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई पूरी। अब हम लोग जो पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड, उसमें बस इसमें बहुत छोटा छोटा है, ज्यादा है भी नहीं। ब्लू 15 में तो थोड़ा नाइट्रिक एसिड में बहुत ज्यादा रिएक्शन सब था और मैंने सबका ट्रिक्स बताया था, इसमें बहुत जल्दी जल्दी होगा और हमको लगता है नेक्स्ट क्लास में खत्म भी हो जाएगा सम इम्पोर्टेंट। हाँ बोलिए सर, वो ट्राई था यो। जो अभी लिखवाया था लास्ट में सर। डन सर। सम इम्पोर्टेंट सर, वो ट्राइथायनिक वाला लिखा नहीं था। हाँ लिख लीजिए साइंटिस्ट। Yes, sir. इसमें सबसे पहला है डाई ऑक्सीजन, बहुत आसान है, जल्दी लिखिए, इसमें ज्यादा आई है डाई ऑक्सीजन O2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बहुत आसान है। सबसे पहला ये सिर्फ हीट करके बनेगा बाय हीटिंग KNO4 KNO3 यानी ऑक्सीजन रिच कंपाउंड होती है। KNO3 एंड KCl सबसे मशहूर है। KNO4 को जब भी हीट करोगे K2NO4, ये मैं डी ब्लॉक में ट्रिक्स रखूंगा याद करने का, यहाँ मैं नहीं दूंगा। MnO2+ आपके पास नाइट्रेट का तो तुम आपको पता ही है, नाइट्रेट को हीट करोगे तो KNO2+। अच्छा KClO3 तो 9-10 से भी पढ़ते आ रहे हो, KCl+। दूसरा बात आसान, आगे बढ़े
नहीं बोलना है, कुछ नहीं लिखा। यस सर। अच्छा दूसरा मेथड जो है ये तो मैंने शायद आप लोग उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर चुके हैं, बाय हीटिंग ऑक्साइड ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। केमिस्ट्री में याद रखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जब भी आप Ag2O को हीट करेंगे कभी भी सिल्वर ऑक्साइड फॉर्म में नहीं रहता, जल्दी से ये Ag में और O2 में, 4Ag और O2 में कन्वर्ट होना चाहिए, उसी तरह HgO। बाकी ऐसा नहीं है कि Li2 को हीट करोगे तो LiO2 मिलेगा, कभी नहीं। ये दो ऑक्साइड ऐसे हैं केमिस्ट्री में जो हीट करने पर मेटल और ऑक्सीजन दोनों। Yes, इसका है by heating of higher oxide। लक्ष्य आप कुछ बोल नहीं रहे, सब कुछ सही चल रहा है ना, समझ में आ रहा है ना आपको? Yes, sir। बैलेंस स्टॉप कर लीजिए। ये सब इसमें कोई ट्रिक सब नहीं, बहुत ही आसान खुद रिएक्शन सब है, तो ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसको आपको आपको मान लीजिए तो आपको 11th में पढ़ा होगा H2O2 है, लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? Yes। पहला पॉइंट ये है, इट इज कलरलेस एंड लेकिन याद रखो एक्सेप्ट दो को छोड़कर जो वहां भी था नाइट्रिक एसिड उसके साथ नहीं करता था, कम प्लैटिनम एंड गोल्ड ये ऐसा इसके साथ रिएक्शन नहीं करता। तो बोलिए ना हाँ या नहीं, बस बाकी ऑक्सीजन का रिएक्शन मैं थोड़ी ना लिखूंगा, AlO2 के साथ क्या बनाती सब जानते हैं, इतनी बातें आपको किसमें याद रखनी है। दिया रहे हाँ या ना जल्दी बताइए। या देखो
वो प्लैटिनम और गोल्ड के साथ, प्लैटिनम और गोल्ड के साथ रिएक्शन नहीं करता। चलिए पहला कंपाउंड खत्म, दूसरा भी आसान है, ज्यादा इसमें नहीं करना, बहुत छोटा छोटा है। इसमें जो भी है ना सल्फर डाइऑक्साइड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत आसान है। पहला अब बताइए सल्फर का कंबशन होगा तो सल्फर गैस बनेगी, तो आप जानते हैं इससे आसान क्या हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है आपको दे सकता है फेरस सल्फर, दिस इज कॉल्ड फेरस सल्फर। प्लस O2 है, Fe2O3 प्लस O2 गैस, बस दो ही प्रिपरेशन करना है आपको, ये आपके पास है। ये आपने जल्दी बताइए। यस सर, सबसे पहली बात क्या है भाई, सबसे पहली बात कलरलेस गैस है। कौन सा गैस है जल्दी बताओ सारे लोग, कलरलेस गैस। अब बताओ SO2 नॉन मेटल है, एसिडिक, एसिडिक भी है, एसिडिक पोलर है, डाइपोल पोलर गैस, पोलर भी है। और दूसरी बात ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है क्योंकि इंटरमीडिएट है, रिड्यूसिंग भी है एज वेल एज, जल्दी बताओ। हेलो हेलो, ऑक्सीडाइजिंग भी है, तुम बोल ही नहीं रहो तुम लोग यार, बोलो ना, रिड्यूसिंग भी है और ऑक्सीडाइजिंग भी है। और जब तुम लैब में जाओगे तो बर्निंग विथ सल्फर स्मेल, सल्फर की तरह इसका स्मेल आता है, ये अदरलेस नहीं है, इसमें स्मेल है, समझा कि नहीं। सफोकेटिंग गैस है, बर्निंग विद सल्फर है स्मेल। क्या बताइए, हाँ ये सब प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चंस आते हैं, ये याद रखिए आप, समझा आपकी आदर। बर्निंग विद सल्फर स्मेल भी लिख लीजिए ब्रैकेट में, इसमें ये भी लिख लीजिए भाई पंजेंट स्मेल, तो बताइए इससे पहले पंजेंट स्मेल किसने था? मैंने कहा था इस पूरे चैप्टर में दो तीन चार गैस आ गई, बताओ इससे पहले ग्रुप 15 में कौन पंजेंट स्मेल था किसके पास, जल्दी बताओ ना। अमोनिया। हाँ वेरी गुड, ये सब याद रखो प्लीज। बर्निंग विद सल्फर स्मेल भी रहेगा तो SO2 होगा, इसलिए सल्फर। आगे बढ़े जल्दी बता दो। यस सर, पोलर है तो इट इज हाईली सोल्युबल इन वाटर, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, इट इज हाईली सोल्युबल इन वाटर। लिख लिया, नहीं पढ़ते नेक्स्ट क्लास में हम, पूरा खत्म भी होगा 7।